लास्ट टाइम पे चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर रहे थे, और चैप्टर 4 पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाया था आपको और कुछ ग्राफ्स आपको बनाना सिखाया हुआ था। फर्स्टली हमने देखे थे पिक्टोरिकल ग्राफ, जहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिया होगा और उस सिंबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे था 1 कार इक्वल 100 कार को डिनोट कर रही थी, और जो हाफ कार है वो 50 कार थी, तो आपका 200 आया था। मैक्सिमम नंबर कार कहाँ पे गई थी? सितंबर में, और मिनिमम जो था वो जुलाई में। उसके बाद आपने देखा था बार ग्राफ, यहाँ पे क्या था, कोई एकेडमिक एयर दिया हुआ था और इधर साइड दिया हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए। क्या कंडीशन बनी थी कि भाई किस साल में कितने एडमिशन आए हैं, कहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। ठीक, उसके बाद हमने देखा हुआ था बार ग्राफ, जहाँ पे हम देख रहे थे एकेडमिक एयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद आया था हमारे पास डबल बार ग्राफ, और डबल बार ग्राफ में हम कंपेरिजन करने में इजी स्टेप फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या प्रीवियस ईयर में क्या था और इस साल में क्या है। ठीक, ये हमने सीखा हुआ था डबल बार ग्राफ, हमसे क्वेश्चंस भी थे। अब हमें जो सीखना है आज की क्लास में, जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारे पास सर्किल ग्राफ। अब ये सर्किल ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है और अप्लाई हम कैसे करने वाले हैं, तो इसने बोला है द टाइम स्पेंड बाय आर चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ जगह टाइम दे रहा है, जैसे सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए, कितना दे रहा है 8 आवर्स। वर्क होमवर्क के लिए कितना दे रहा है 4 आवर्स। फिर बोला अदर, मतलब जो भी उसकी एक्टिविटी होगी, नहाना है उसको, खाना है उसको, घूमना है उसको, किसी से मिलना है, तो उसके लिए वो 3 आवर्स दे रहा है। फिर उसने बोला कि स्कूल के लिए कितना दे रहा है 6 आवर्स। यहाँ के लिए कुछ और लिखे स्कूल, यहाँ पे प्ले क्या प्ले, ये लो प्लेइंग के लिए भी उसको 3 आवर्स लग रहे हैं, स्कूल में भी 6 आवर लग रहे हैं, सोने के लिए 8 आवर्स, होमवर्क के लिए 4 आवर्स, और अदर जो भी एक्टिविटी है वो 3 आवर्स में कर रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बोला है एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, कोई एक शहर है, उस शहर में एज ग्रुप, मतलब कि वहाँ पे वो सर्वे कर रहा है, सर्वे में क्या देख रहा है कि भाई कितने एज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसने क्या देखा कि 50,000 कैसे हैं, 50,000 कैसे हैं 14 years यहाँ पे, फिफ्टीन 15 से 16 साल, टू 60 ईयर ये लिखा होगा है ना, 15 टू 60 ईयर के जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 50,000। फिर यहाँ पे 60 ईयर एंड अबव, 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कितने हैं 20,000, और 0 टू 14 मतलब बच्चों की कितनी है नंबर ऑफ 30,000। ठीक है, मतलब वहाँ पे बच्चे अलग कर दिया है, जो वयस्क है वो अलग कर दिया, और जो बूढ़े हैं उनको अलग किया है, कंपैरिजन उनके करके दिखाया है, और कंपैरिजन के हिसाब से आपने ये कुछ डेटा फाइंड किए। ठीक, अब उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई एक फैमिली है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव द एग्जाम्पल इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। देखो वहां पे कंडीशन क्या है, आपके सामने एक सर्किल ग्राफ है। अब जो ये सर्किल ग्राफ है ये क्या बोल रहा है कि ये कहीं कहीं स्पैन कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है जरा देखो, इसके अलावा सेकेंडरी लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है ये, ठीक, इसके अलावा ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और एक लास्ट लाइन यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ उसने लिखा हुआ है, वही मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ सेविंग उसने बताया था कि सेविंग कितनी है उसकी, उसकी जो सेविंग है, सेविंग जो है वो है 15%, सेविंग जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 15%। ठीक, फिर क्लॉथ के लिए उसको कितने लग रहे हैं 10% उसको क्लॉथ के लिए लग रहा है, महीने में कपड़े भी लेना होगा। 25% है उसको फूड के लिए, फूड फूड में इन्वेस्ट हो रहा है। 15% जो है वो कहाँ पे जा रहा है,
एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की एजुकेशन के लिए 10% जा रहा है उसका हाउस रेंट में, 10% जा रहा है उसका हाउस रेंट में, 5% और 5% जो है वो ट्रांसपोर्ट में, ठीक। और अदर पे जो भी जा रहा है वो है 20% अदर पे, ठीक। अब क्वेश्चन जरा पढ़ें और पूछते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्टली ये है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वास मैक्सिमम, किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है? फूड। कितना? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फूड, और कितना हो रहा है तो 25% मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो दिखाई आपको दे रहा है, क्योंकि अदर में 20 था फिर 15 था, बाकी तो सारे नंबर्स काम है ऑलरेडी, तो फूड पे जो हो रहा है वो मैक्सिमम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम्स इज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। टोटल सेविंग कहाँ है? सेविंग ये रहा 15%, 15% फोर क्या है ये देखो, एजुकेशन है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3000, मंथली सेविंग कितना है 3000, और परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में 15, तो इसको बोला व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर इन क्लॉथ, क्लॉथ के लिए कितना था 10%, मतलब कि थर्ड के लिए आपको करना है मंथली सेविंग, सेविंग इक्वल 3000 और परसेंटेज में कितना है 15%, मतलब 15% इक्वल कितना है 3000, तो 15% अगर ये है तो मैं अगर 1% की वैल्यू चाहूँ तो जो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा डिवाइड, मतलब कि 1% इक्वल 3000 डिवाइड में आएगा 15 करता हूँ तो 200, मतलब 1% इक्वल कितना आ रहा है 200। इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला है कि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर, What is the monthly expenditure on clothes? Clothes पे कितना कर रहा था 10%, तो भाई 1% की वैल्यू ये है तो 10% कितना हो जाएगा 10%, 10 इधर पड़ा है मतलब इधर भी 10 ऐड हो, ये 2000 हो गया, तो उसको क्लोथ पे कितने एक्सपेंडिचर हुआ होगा उसका 2000 रुपीज। समझ पाए बात को? यस सर। बताइए। यस सर। ये जो चला है वो समझ आया क्या? सर यस सर। हाँ हाँ ठीक, ये लीजिए वापस से अपने को बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, निश्चित दिन किसी ने देखा है, द सेल्स इन रुपीस ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो, ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। क्या हुआ कि किसी विशेष दिन कोई सर्वे पे गया और सर्वे पे उसने क्या देखा कि कोई बेकरी शॉप है और उस बेकरी शॉप में कुछ चीजें सेल हो रही है, जब सेल हो रही तो कितने रुपए की सेल हो रही है उसने दिखाया, तो उस डेटा अपने को दिया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। देखो यहाँ पे अपने को फर्स्ट पीस का पाई चार्ट बनाना है। देखो ऑर्डिनरी ब्रेड, मैंने क्या बोला था जब भी ऐसा हमें करना होगा तो हम इसका सेंट्रल एंगल और फ्रैक्शनल फॉर्म निकालेंगे। ये देखो फर्स्टली में इसका ग्राफ, ग्राफ के लिए जो जो डेटा मुझे रिक्वायर होगा मैं उसको लिखता हूँ। मुझे चाहिए होगा उसका नंबर और फिर ये होगा उसी का फ्रैक्शनल फॉर्म और उसी का सेंट्रल एंगल। जब भी आपको ग्राफ बनाने को होगा तो आप यहाँ पे लिखने वाले हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फिर यहाँ पे लिखने वाले हो सेल्स इन रुपीस, जो सेल थी वो रुपी में है रुपी, और यहाँ पे आप निकालोगे इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन
और यहाँ पे निकालने वाली हो आप सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक। यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट है, सर फर्स्ट प्रोडक्ट है आपके सामने ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड, फिर सेकंड प्रोडक्ट है आपके पास फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, उसके बाद क्या है केक्स एंड पैट्रीज, केक्स एंड पैट्रीज, ठीक। उसके बाद है बिस्किट, बिस्किट, उसके बाद अदर प्रोडक्ट जो भी उसका बिका होगा, ठीक। जो ये है ये रुपीस में है, तो ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो 320 रुपी की सेल होती है, उसके बाद फ्रूट ब्रेड है ये 80 रुपी की सेल होती है, उसके बाद जो केक्स एंड पेट्रीज है वो 160 की सेल होती है, उसके बाद में जो बिस्किट्स है वो 120 की सेल होती है, और जो अदर प्रोडक्ट है वो 40 रुपी का सेल होता है। टोटल टोटल कितना रुपए का वहाँ पे सेल हुआ है, तो उस पर ऐड करने पे यहाँ पे दिया है 720, मतलब आज के दिन में उस बेकरी शॉप में कितने रुपए की सेलिंग हुई है, 720 की। अब 720 की सेलिंग हुई है तो मुझे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, जब मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 320 और डिवाइड बाय 720, 10 से 10 कट करो, 4 8 32, 4 1 4 और 4 8 32, फिर इसको डिवाइड करो 4/9, ये आया भाई इसका फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक। फिर मैं चेक करता हूँ 80 के लिए, तो 80/720 भाई 10 से 10, 8 1 8 और 8 9 72, 1/9 160 डिवाइड बाय 720, 10 से 10, 8 2 16, 8 9 72, वापस से 2/9, 120 के लिए चेक करते हैं 120/720, 10 से 10, 12 1 12 और 12 6 72, 40 के लिए चेक करते हैं तो 40/720, 10 से 10, 4 1 4, 4 1 4 आए 34 32, मतलब 1/18। अब आपके सामने ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म है, अब आप क्या चेक करते हो, अब आपको ये देखना है कि जो आपका कंप्लीट सर्किल होता, सर्किल में कितने डिग्री का एंगल पूरा जनरेट होगा, ठीक है। कंप्लीट अगर एक सर्किल है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल जनरेट होगा, तो जरा देखा जाएगा। एक सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा सर्किल ड्रॉ हो चुका है, अब जरा इसको मैं प्रोटेक्टर का यूज करके चेक करना चाहता हूँ कि भाई इस पे कितना कितना डिग्री का एंगल मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक। इसके लिए ये रहा आपके सामने प्रोटेक्टर, छोटा कर दीजिए सर, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं सर, बिस्किट के अलावा फ्रूट ब्रेड, हाँ हाँ सब चलेगा, सब चलेगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो बीच में लिखा आ रहा है, ये देखो अभी जीरो है, कंटिन्यू 180 तक, दिखाई दिया ये, जब ये 180 तक हाफ होने में जा रहा है तो अगला हाफ होने में फिर 180, सही है कि नहीं, अगर हाफ होने में 180 है तो अगला हाफ होने में फिर 180, मतलब 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा भाई, 180 प्लस 180 180 0 88 6 1 2 1 3, मतलब कंप्लीट सर्किल कितने का है, 360 का। अब 360 में फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/9 दिया है, तो आप क्या करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई करेंगे हर बार 360, 9 1 9 9 4 36 0 का 0, 4 4 16 और 0 का 0, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, 1/9 किसका चाहिए, 360 का, 9 1 9 9 4 9 4 36 और साथ में 0, मतलब ये 40 डिग्री आएगा, ये आया है हमारा 160। अब 2/9 चाहिए, 2/9 मल्टीप्लाई 360, ये तो 940 जब हुआ था, और 4 2 8 और साथ में 0, फिर 1/6 चाहिए, 1/6 मल्टीप्लाई 360,
क्या करूं, 6 6 36 साथ में 0 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये 1/18 मल्टीप्लाई 360, 18 2 36 साथ में 0 मतलब कितना आएगा, 20 डिग्री, ठीक। अब सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, तो अब मैं एंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो मैंने फर्स्टली तो इसको ले लिया रेडियस का और 180 पे ले जाके इसको ओवर कर दिया। ये फर्स्ट लाइन मेरी बन चुकी है 180 पे, ठीक है। अब सेकंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और सेकंड लाइन मुझे कितने पे, 160 पे बनानी है। तो ये देखो यार 140 145 155 160 ये आ गया, दिखाई दिया। यस सर, ये जहाँ पे आ रहा है वही एंगल मेरा कितना है, 160 डिग्री। अब जब मेरा ये 160 है तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 160 है और ये क्या है, ये है मेरा ऑर्डिनरी ब्रेड, ठीक है। मुझे उसके बाद 40 डिग्री का एंगल चाहिए। 40 डिग्री के एंगल के लिए देखो ये 160 हुआ था तो यहाँ पे 180 वाली लाइन में 20 बच गया और ये माइनस के 20 में जा रहा है। देखो ये माइनस का मतलब ये बीच में जो बचा है वो कितना आ गया अपना 40 डिग्री, सही है कि नहीं। ये जो एंगल है ये कितना आ गया है, 40 डिग्री, और 40 डिग्री में क्या था, फ्रूट ब्रेड, ठीक। उसके बाद मुझे 80 डिग्री चाहिए तो 80 डिग्री वापस से जनरेट कर देते हैं। ये लोग ये देखो ये दिखाई दे रहा 80, ये या 81 80 80, ठीक है। 80 अच्छा कलर चेंज नहीं हुआ, ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे रख देते हैं, ये 80 डिग्री हो गया। अब बचा क्या, अब बचा है अपना एक 60 और एक 20। अब एक 60 और 20 बचा है तो 80 वाली लाइन में ही मैं 80 को 100 तक लेके जाता हूँ तो वो 20 को कवर कर देगा। ये देखो 80 अगर 100 तक आता है मेरा, ये दिखाई दिया, यस सर, ये 100 तक। तो जैसे ही ये 80 100 तक आएगा होगा क्या, होगा ये कि 80 तो ऑलरेडी बन चुका है और ये 100 तक, तो बीच वाला कितना हो जाएगा ऑलरेडी 20। यही तो चाहिए था मुझे 20 डिग्री, और 20 डिग्री में है क्या, 20 डिग्री में मेरा अदर, 80 में क्या था, 80 में था मेरा केस एंड बेकी। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो बचा एंगल है ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री बस। और 60 डिग्री किसके लिए आया था, तो किसके लिए आया था, ये कहा बताओ, समझ आएगा, yes, sir. बोलो बन जाएगा, yes, sir. Yes, sir. ये एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट, सो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे, फाइंड दिस पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग। बात को समझिए कि क्या हुआ है, किसी शहर में लोग गए हैं सर्वे करने गए हैं, उन्होंने यंग पीपल से पूछा कि भाई आप किस टाइप का सॉन्ग सुनते हो, आप किस टाइप का सॉन्ग सुनते हो, सारे लोगों से उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक। अब पूछा है तो भाई सबका सॉन्ग अलग अलग हो सकता है कि आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग, पहली कंडीशन ही। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आपका फेवरेट सिंगर कौन है, दूसरे से पूछेगा आपका फेवरेट सिंगर, आपका फेवरेट सिंगर। तो जब ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग आ जाएंगे, बहुत सारे सॉन्ग अलग अलग आ जाएंगे, तो डेटा बहुत लार्ज स्केल में होने वाला है। तो जब लार्ज स्केल में होगा तो मैं ये देखूंगा कि यार ऐसा वाला म्यूजिक सुनने वाले कितने लोग, कि जो सिर्फ डीजे पे डीजे वाले सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो चेक करूंगा, यार जो सिर्फ होम थिएटर में बजे वैसा वाला कौन सुनता है ना, वो वाली सारी कंडीशन। तो कुछ डिफाइन उसने किया है और वो डिफाइन हमारे सामने है एक पाई चार्ट के रूप में। पाई चार्ट कैसे बना हुआ है, ये लो ये बना है सर्कल ग्राफ। इस सर्कल ग्राफ में, इस सर्कल ग्राफ में 40% लाइट म्यूजिक दे दिया है 100% से, है ना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से सर्किल ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डिफाइन कर रहा हूँ, और डिफाइन कैसे हो रहा हो जरा देखेंगे।
ठीक। इसके अलावा यहाँ पे मैं सॉन्ग लिखूंगा, उसके बाद परसेंटेज में हूँ तो डायरेक्टली परसेंटेज ले लेंगे और उसका सेंट्रल एंगल ले लेंगे, ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। ठीक, यहाँ पे जो नेम है हमारे पास, यहाँ पे सॉन्ग लिख लेता हूँ मैं, सॉन्ग यहाँ पे लिख लूंगा परसेंटेज, और फिर उसी को निकालूंगा मैं सेंट्रल एंगल। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्टली हमें दिया है लाइट म्यूजिक, उसके बाद में फॉग, उसके बाद में क्लासिक, सेम क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। ठीक, लाइट म्यूजिक का जो परसेंट है वो है हमारे पास 40%, फॉक का है 30%, क्लासिकल का है 10% और सेमी क्लासिकल का है 20%। ये डेटा आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। अब क्या करना है, इसी का सेंट्रल एंगल निकालना है। मैंने बोला था कि जो कंप्लीट सर्किल होगा उस पर कितना बनाएगा, कंप्लीट सर्किल पे बनाने वाला है 360 डिग्री। अगर कंप्लीट सर्किल पे 360 डिग्री बनाएगा तो 360 का हमें 40% चाहिए, तो 40 का 40 और परसेंट का अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 360, 10 से 10, 10 से 10, 4 6 24 आया 2, 4 3 4 3 12 और 2 14, 144 डिग्री। 30% चाहिए तो 30% का अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 360, 10 से 10, 10 से 10, 3 8 6 18 आया है 1 3 3 9 और 1 10। ठीक, 10% तो 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 360, 10 से 10, 10 से 10, 36 हो गया 36। उसके बाद 20% तो 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 360, 10 से 10, 10 से 10, 36 to 72 डिग्री। अब आपके पास सेंट्रल एंगल आ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग में जो इसका ग्राफ था, जो मेरा सर्किल था, उसको कंप्लीट करता हूँ। फर्स्टली मुझे चाहिए 144, तो मैंने फर्स्टली इसकी रेडियस को कंप्लीट किया और रेडियस को कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट लाइन लूंगा 144 डिग्री को, 144 डिग्री। ये देखो दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आ रहा है मेरा 144 आ गया। ठीक है, ये जो एंगल आया है, ये देखो ये जो एंगल है यहाँ पे जाके 144 हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में मैं 108 डिग्री बैक साइड से ले लेता हूँ, नीचे वाली साइड से, यहाँ से इस वाली साइड, तो ये देखो 108 आएगा, ये देखो 108 या 108। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, एक 36 और एक चाहिए 72, तो मैं 36 वाले को ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो 36 वाले को ड्रॉ कर देता हूँ। 180 कहाँ जाए, ये जो ऊपर में एंगल है वो 36 है और जो नीचे में है वो 72 है, ये 72%, ये 40%, ये 30% और ये है 36%, और परसेंट पे नहीं आ, एंगल में लिख लूँ तो एंगल पे लिख देता हूँ सारे 72 डिग्री, ये है 144 डिग्री, ये है हमारा 108 डिग्री और ये है हमारा 36 डिग्री। परसेंटेज पे अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज भी इसने गिवन है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कितना है, 40%, और नाम क्या है, लाइट म्यूजिक। ये है हमारा 30% और नाम क्या है, पॉप म्यूजिक। ये है हमारा 20% और नाम क्या है, सेमी क्लासिक, और ये है हमारा 10% और नाम क्या है, क्लासिक। समझ गया है तक की बात है। हाँ, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे। भाई 20 पीपल लाइक कितना कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल
म्यूजिक लाइव कितना परसेंट वाइज ओनली ऑन 20 पीपल। 20 पीपल क्या कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं 20 पीपल, और परसेंटेज में कितना है 10%, मतलब 10% इक्वल कितना है, 10% इक्वल कितना है 20 पीपल। तो भाई मुझे क्या चाहिए 1%। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वे, टोटल कितने थे। तो भाई मैं इस 10 को 100% तक लेके जाऊंगा, इस 10 को मुझे 100% पीपल बनाना है, मतलब मैं क्या करूँ इसके साथ मल्टीप्लाई 10 से, तो 10 10 100%, तो इसका भी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 2 10 20 और साथ में 0, मतलब 200 पीपल टोटल। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 200 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 200, ठीक, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हमारे पास पेपर है वो कितने हैं, टोटल 200 जिनका सर्वे हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा कौन सा टाइप है सॉन्ग का जिसको सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, जो 40% आया, और 40% क्या है, लाइट म्यूजिक। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, ठीक। ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, इसी का थर्ड जरा पढ़ा जाएगा, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इसका, इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडी, कोई कंपनी है सीडी बनाने वाली, और उस कंपनी ने क्या किया हुआ है, 1000 सीडी को बनाए हुआ है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वो दे मेक, उसने कितने टाइप, हर एक टाइप के कितने कितने सीडी बनाए हैं। देखो टोटल सीडी, टोटल सीडी इक्वल कितना, 1000, 1000। तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ही निकालना है, मान लो सीडी ऑफ लाइट म्यूजिक, सीडी ऑफ लाइट म्यूजिक इक्वल कितनी है, 40% किसका, 40% ऑफ 1000 टोटल सीडी का, 40 का 40, परसेंट का अपॉन में 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 1000, सॉल्व किया जाए 20 से 20 कर दीजिए, 10 और इधर आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 400 सीडी। बताओ बात समझे कि सेकंड उसने बोला है कि भाई मुझे फॉक म्यूजिक का चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, सीडी ऑफ फॉक म्यूजिक इक्वल कितना है, 30% किसका, ऑफ 1000 सीडी का, तो 30 का तो 30% का अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1000, वापस से 20 से 20 का ये 0 किधर जाएगा, मतलब ये क्या होने वाला है 300 सीडी। तो मुझे जरा निकाल के दिखाओ सेमी क्लासिकल और क्लासिकल का कितनी कितनी सीडी आ रही है, काउंट करो, कैलकुलेट करो क्वेश्चन को, आया आप में से किसी का आया,
3600 ये यस यस सर सर भाई कपिल मेरी बात तो सुनो। कपिल टोटल 1000 CD है। हाँ कपिल टोटल 1000 CD है। अगर आप 3600 निकालोगे तो वो आएगा कहाँ से? पहली बात तो ये क्योंकि टोटल तो 1000 है कि नहीं? ये थोड़ा सा रॉन्ग कर रहे हो, कुछ तो और कर पा रहे हो आप। देखो जरा टोटल भी 1000 CD आपके पास में, फिर अगर 3600 उसकी आ गई तो फिर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? ऐसे कंपनी ने तो टोटल 1000 बनाया हुआ है ना? देखो जरा ये देखो मुझे क्या निकालना है। मान के चलते हैं, मैं चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं बोलता हूँ सीडी ऑफ, मुझे चाहिए पहले क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक इक्वल कितना है? 10%। 10% किसका है? 10% है 1000 CD का। तो 10% का अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 1000। 2 0 से 2 0 और 10 से मल्टीप्लाई कर दियो। नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपने सेंट्रल एंगल के साथ किए होंगे, सेंट्रल एंगल के साथ, है? फिर सीडी ऑफ किया मुझे सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल म्यूजिक भाई, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का अगर चाहिए तो वापस से 20% है, तो 20% ऑफ 1000, तो 20% का अपॉन में 100, 1000 से मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कर और 2 1 0 इधर लगेगा, मतलब कि आने वाला है 200 की। ये क्या बोल रहे, ठीक है? यस सर। चल अब बनना चाहिए है ना, अब बनना चाहिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या क्या, अच्छा ये लीजिए। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फोर फेवरेट सीजन फ्रॉम द देयर थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। कुछ पीपल है, मतलब 360 पीपल है, उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन क्या है, कि भाई कोई विंटर कह रहा है, कोई समर कह रहा है, कोई रेनी, मतलब सब अपनी अपनी चॉइस दे सकते हैं। तो जब चॉइस दिए हैं तो वो चॉइस कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे सीजन है और इधर नंबर ऑफ वोट्स है, ठीक? सीजन जैसे समर है 90 वोट मिले, रेनी मतलब 120 और विंटर मतलब 150 वोट, समझ पाए यहाँ तक? अब क्या है, जब ये डेटा है मेरे पास तो इससे क्या बोला है इसने, इसने बोला है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। भाई आप देख के समझ पा रहे होंगे किसको ज्यादा वोट मिली है, तो फर्स्ट का आंसर क्या देने वाले हो आप, समझ पाए? फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए क्या करना है भाई, बनाने के लिए मैं फर्स्टली क्या कर रहा हूँ, इसके डेटा को पहले फिल करके मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, बाद में हम सेंट्रल एंगल के लिए सोचेंगे। ये मैंने ग्राफ के लिए जो मुझे पाई चार्ट बनाना है उसके लिए मैंने फर्स्टली डेटा को चेक करने के लिए यहाँ पे सीजन लिखने वाला हूँ और नंबर ऑफ वोट्स लिखने वाला हूँ। ये तो सीजन ये है और यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स आती मान लो, और यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक? यहाँ पे है सीजन, यहाँ पे क्या है वोट, नंबर ऑफ वोट है, नंबर ऑफ वोट। फिर यहाँ पे मैं क्या निकाल दूंगा, इनफ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन, और फिर यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक? यहाँ पे मैं फाइंड करने वाला हूँ सेंट्रल एंगल। सीजन में मेरे पास क्या क्या है, सीजन में मेरे पास फर्स्ट सीजन है समर, सेकंड सीजन है मेरे पास रेनी, और थर्ड सीजन है मेरे पास विंटर, ठीक?
फर्स्ट सीजन में मेरे पास समर, सेकंड सीजन में मेरे पास रेनी और थर्ड सीजन में मेरे पास विंटर। इनकी नंबर ऑफ बोर्ड से मेरे पास जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 150। ठीक, जब मेरे पास ये है तो मुझे क्या निकालना है इनका फ्रैक्शनल फॉर्म, तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल बोर्ड्स कितनी है, तो मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टोटल। टोटल अब टोटल करने पे क्या हो रहा है, इसने बोल दिया था कि 360 पीपल, मतलब इन सबका सम कितना आने वाला है 360। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 90 और अपॉन में 360, 10 से 10 कट, 9 9 और 9 4 36, मतलब 1/4। सेकंड को मैं चेक करता हूँ, 120 डिवाइड बाय 360, 0 से 0 कट, 12 12 और 12 36, मतलब 1/3। और फिर मैं करता हूँ 150 डिवाइड बाय 360, 0 से 0 कट, 15 को काटो तो 3 5 15, 3 1 3 और 3 2 6 5। जब मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म होगा तो मैं सेंट्रल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या कर रहा था, 360 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 360, 4 1 4 और 4 9 36, साथ में 0, मतलब 90 डिग्री जिसका एंगल आया है समर सीजन। ठीक, फिर 1/3 मल्टीप्लाई 360, 3 1 3, 3 2 6, साथ में 0, मतलब 120 डिग्री किसका सीजन आया है, रेनी का। फिर क्या है, 5/12 मल्टीप्लाई में 360, ये 12 1 12, 12 3 और साथ में 0, 3 5 15 और साथ में 0, मतलब 150 डिग्री मेरा विंटर सीजन आया। अब जब मेरे पास ये आ चुका है तो मुझे क्या बनाना है, इससे पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कितना, यहाँ पे अगर ऐसे रख देता हूँ तो दिखाई देगा भाई कपिल, दिखाई दे रहा है तो? यस सर। ठीक, अब मैं इसके अकॉर्डिंग सर्किल बनाता हूँ, ये कुछ इस टाइप से है। अब मैं फर्स्ट जो मेरा था वो मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो मैंने इसकी तो फर्स्ट में रेडियस ड्रॉ किया 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे रेडियस आने के बाद 90 डिग्री के लिए ये देखिए दिखाई दिया 90 आ रहा है, ये देखो इस पॉइंट पे 90 डिग्री आ चुका है। 90 के बाद एक चाहिए 150, तो 150 डिग्री बना देता हूँ, ये देखो ये आ रहा है, देखो 145 147, ये आ गया 150। ठीक, ये आ चुका मेरे पास 150। क्या होगा, ये है मेरा 90 डिग्री, ये है मेरा 150 और ये है मेरा 120। 90 डिग्री किसके लिए था, समर, मेरा 120 किसके लिए था, रेनी, और मेरा विंटर के लिए 150। तो यहाँ पे लिख दूंगा भाई मैं विंटर, बताओ हो जाएगा क्या, कर पाएंगे? चलो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप करिएगा ये मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, अगर बन जाए तो ग्रुप में डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, और अगर आज की क्लास में जो आपको समझ नहीं आया वो वापस से आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।